गदर 2 का टीजर आज फाइनली ऑनलाइन रिलीज कर दिया गया है। इस दफा फिर हैंड पंप की जगह सनी पाटी स्टेयर व्हील उठा रहे हैं और इस दफा 1947 की जगह 1971 की इंडो पाक जंग पर बात हो रही है। इसी तरह टीजर के एंड में घर आजा परदेसी गाना भी सुना जा सकता है। मतलब पोटेंशियल तो इस फिल्म में बहुत है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल का बिजनेस करे, क्योंकि गदर हिंदी सिनेमा को पहचान देने वाली फिल्मों में से एक थी जिसके डायलॉग, सॉन्ग, सनी पाटी का एक्शन सब बहुत पसंद किया गया। दूसरा, ये फिल्म पाकिस्तान इंडिया को लेकर बनाई जा रही है तो पेट्रियटिज्म की वजह से भी इस फिल्म को काफी सपोर्ट मिलेगी। लेकिन ये बात भी माननी पड़ेगी कि वो 22 साल पहले फिल्म हिट हुई थी। अगर आप आज बिल्कुल उसी तरह के पैटर्न पर एक और फिल्म बनाएं जिसमें कुछ खास चेंजेस भी ना हो, वो आज के दौर में उतना अच्छा बिजनेस नहीं कर पाएगी। फिल्म रिलीज के पहले कुछ दिनों में जरूर अच्छा बिजनेस करेगी, मगर रिव्यूज को देखते हुए फिल्म वीक पड़ जाएगी। और स्पेशली ये माइंड में रखते हुए कि एनिमल और ओ माय गॉड 2 भी उसी दिन रिलीज हो रही हैं। अब एनिमल का प्री टीजर रिलीज होते ही इंटरनेट पर बवाल सा आ गया था और हर क्रिटिक और एक्सपर्ट तारीफें करते हुए कह रहा था कि तूफान आने वाला है। और साथ साथ एनिमल फिल्म के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा का पुराना क्लिप भी वायरल हो गया, जिसमे संदीप अपने क्रिटिक्स को कह रहे हैं कि जो मेरी फिल्म कबीर सिंह को वॉयलेंट फिल्म कह रहे हैं वो इंतजार करें, मैं उन्हें बताऊंगा कि असल वॉयलेंट फिल्म होती क्या है। तो इस तरह एनिमल फिल्म के प्री टीजर ने काफी हाइप इकट्ठी कर ली और पहले 12 घंटों में 10 मिलियन व्यूज भी यूट्यूब पर हासिल कर लिए, जबकि शाहरुख खान की जवान फिल्म ने 13 घंटों में 10 मिलियन व्यूज हासिल किए थे। अब इसकी वजह सिर्फ फिल्म की क्रिएटिविटी थी कि एक नए कॉन्सेप्ट के साथ कमाल की फिल्म बनाई जा रही है, जबकि गदर का पार्ट 2 उसी सेम पैटर्न पर बनाया जा रहा है जिस पर 22 साल पहले पार्ट 1 बनाया गया था। इसीलिए इंटरनेट पर एक तरह से खामोशी छा गई है। और ये भी आपको बताते चलें कि गदर का टीजर 9 जून को सिनेमाज में पहले ही रिलीज हो चुका था और तब भी उसे ज्यादा पसंद नहीं किया गया जैसा एनिमल फिल्म को किया गया है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि यह फिल्म किसी तरह फ्लॉप हो जाएगी। फिल्म अपने पार्ट 1 की वजह से फैमिलीज को सिनेमाज में लेकर आएगी और अच्छा बिजनेस भी करेगी। लेकिन अगर इसी तरह की फिल्म बनानी थी तो पार्ट 2 ना ही बनाया जाता तो कहीं बेटर होता, जैसे सलमान खान को तेरे नाम का पार्ट 2 ऑफर किया गया और सल्लू भाई ने उसे नहीं किया। इसी तरह नो एंट्री का पार्ट 2 भी अच्छा नहीं लिखा गया था जिसे सलमान भाई ने रिजेक्ट कर दिया। और अभी रिसेंटली दबंग का पार्ट 4 भी ऑफर किया गया जिसे सलमान खान ने रिजेक्ट कर दिया। और इसकी वजह सिर्फ ये थी कि तेरे नाम जैसी आइकॉनिक फिल्म को बर्बाद ना किया जाए। बिल्कुल इसी तरह इन आइकॉनिक फिल्म्स को अपने फेम और पॉपुलैरिटी के साथ छोड़ दिया जाए तो काफी बेहतर हो, वरना अगर पार्ट 2 नाकाम हो जाए तो पार्ट 1 पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। और गदर 2 के केस में तो 2 और फिल्में भी रिलीज के लिए तैयार हैं, जिससे रिस्क डबल हो गया है। लेकिन टीजर देखकर ये बात तो कंफर्म है कि 22 साल बाद पार्ट 2 उतना फेम और बिजनेस नहीं कर पाएगा जितना पहला पार्ट कर सका था। फिल्म के ट्रेलर का वेट करते हैं और होपफुली कुछ नया और अच्छा देखने को मिलेगा।